अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ, जिसका नाम है ब्रोकली चेडर सूप। बहुत मज़ेदार तैयार होता है, इट इज़ वेरी क्रीमी और बहुत चीज़ी इसका फ्लेवर है। और आप ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में आजकल जो चल रहा है उसमें बनाएंगे, और जब इसको पियेंगे गर्म गर्म तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सावर सूप तो हम पी ही रहे होते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज़ गुड कि अगर आप सूप्स में भी वैरायटीज़ ट्राई करें, ताकि आपका टेस्ट भी डेवलप हो सके और आपको मौका मिल सके कि आप बहुत सारी और वैरायटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। तो रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी और आप इसको ट्राई करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको चॉप कर लिया है मैंने। इसके अलावा इसमें दो लहसुन के जवे जाएंगे चॉप्ड, एक हरी मिर्च इसमें शामिल होगी। इसके अलावा दो खाने के चम्मच मैदा, एक चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच वाइट पेपर। इसके अलावा इसमें गाजर जाएगी, दो मीडियम गाजरें लेके उनको इस तरीके से छील के काट लें। इसके अलावा आधा किलो ब्रोकली जाएगी इसमें, जिसको मैंने धो के इस तरीके से काट लिया है। 200 ग्राम कद्दूकश किया हुआ चेडर चीज़, 2 कप दूध और 100 ml क्रीम इसमें मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले एक पतीली में 2 खाने के चम्मच मक्खन और 2 खाने के चम्मच तेल ले लें और मेल्ट कर लें इसको। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ और प्याज को बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ताकि थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट सी ये हो जाए। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च और चॉप्ड लहसुन डाल रही हूँ, और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें गाजर और इसी के साथ ब्रोकली भी ऐड कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। और फिर मिक्स करने के बाद मैं इसमें चिकन पाउडर, नमक, मैदा और वाइट पेपर, ये चारों चीज़ें ऐड कर दूँगी और मिक्स करूँगी। क्योंकि हमने मैदा डाला है तो इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लें, ताकि मैदा जो है उसका कच्चापन दूर हो सके। और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 लीटर पानी, और पानी डाल के इसको मिक्स करके ढक के पकाएं ब्रोकली गलने तक। जब ब्रोकली सॉफ्ट हो जाए तो आपको इसको थोड़ा सा मैश करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसकी मदद से हल्का हल्का मैश कर लें ब्रोकली को, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो पतीली है उसकी साइड्स पे आप चमचे को इस तरीके से लेके जाके ब्रोकली को हल्का हल्का सा दबा दें, मैश कर लें। और अगेन, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैश करने के बाद अब मैं इसमें 2 कप्स डाल रही हूँ दूध के, और ये डालने के बाद ही मैं इसमें क्रीम डाल दूंगी। क्रीम आपको लेनी है 100 ml, तो क्रीम भी इसमें पूरी की पूरी शामिल कर दें और मिक्स कर लें। और इसके बाद मैं इसमें चेडर चीज़ डालूंगी। चेडर चीज़ आप येलो चेडर चीज़ अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मेरे पास वाइट चेडर था तो मैंने वाइट चेडर ही इस्तेमाल किया है। तो इसको कद्दूकश करके मैं ऐड कर रही हूँ, और बस आपको इतना पकाना है अब इसको कि चीज़ मेल्ट हो सके। और जब चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो सूप रेडी है, फिर मैं चूल्हा बंद करके इसको सर्व करूँगी। सो ब्रोकली चेडर सूप इज़ रेडी। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा बनेगा। एंड आई एम श्योर कि आप अगर ये अपने दावत मेन्यू में शामिल करेंगे फॉर विंटर दावत, तो आपके मेहमानों को और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो इसमें गाजर है, ब्रोकली है और बहुत से ऐसे यमी इंग्रेडिएंट्स हैं, चेडर चीज़ है, क्रीम है,
तो आई एम श्योर के ये सारी चीज़ें हमारी बहुत फेवरेट होती हैं, एंड स्पेशली वो जिनको ब्रोकली बहुत पसंद है उनके लिए तो ये बहुत स्पेशल रेसिपी है जो कि उनको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। सो इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने इस सूप के साथ ब्रेड स्टिक्स भी सर्व की हैं जो कि सूप्स के साथ सर्व की जाती हैं, और अगर आपके पास ब्रेड स्टिक्स अवेलेबल हैं तो इनको इस सूप के साथ ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगेंगी। एंड रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को फॉलो कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।